नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हाल ही आपको याद होगा कि सीएम योगी ने एक आयोजन में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कावड़ यात्रा नहीं कर्फ्यू होता था। इनके समय में गुंडे जगह जगह बम विस्फोट करते थे, गली गली बमबाजी करते थे। हमने कहा कि अब यूपी में बमबाजी नहीं, हर हर बम होगा। यानी कि देखा जाए तो सीएम योगी अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर दम भरते रहते हैं। कहते रहते हैं कि अब यूपी में किसी दबंग की औकात नहीं कि वो दहशत फैला सके या किसी को परेशान कर सके। मगर इस दावे में कितना सच है ये हम आपको बताएंगे। जहां भगवान कृष्ण की धरती पर ही एक गरीब परिवार की मदद योगी सरकार या प्रशासन नहीं कर पा रहा है और परिवार दबंगों से तंग आकर गांव को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस वाले यूपी में दबंगों का राज है। दरअसल थाना गोवर्धन क्षेत्र में दबंगों के आतंक के भय से एक परिवार ने अपना घर ही नहीं गांव भी छोड़ दिया। परिवार ने घर के बाहर दीवार पर पलायन करने का कारण भी लिखा। पीड़ित परिवार के गांव से पलायन करने के बाद गोवर्धन थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पलायन करने का वीडियो वायरल होने के बाद अब गोवर्धन पुलिस लीपापोती में जुट गई है। पुलिस के बड़े अधिकारी इंस्पेक्टर के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। पुलिस के दरोगा से पीड़ित द्वारा दिए गए रुपए वापस मांगने का ऑडियो भी सामने आया है। बताया गया है कि कार्यवाही के लिए पीड़ित परिवार से इंस्पेक्टर ने 25,000 और चौकी इंचार्ज ने 45,000 रुपए लिए थे। सुनिए ये ऑडियो। हेलो, तेजपाल सिंह। हाँ जी, फोन किया था आपने भी सर। हाँ, कहाँ हो? तो सर थोड़ा सा बाहर है, फैमिली के साथ में, क्योंकि गांव से तो हम निकल आए वहाँ से। तो आ जाओ तुम, क्या गाँव में ही हम तुम्हारे सर। गाँव में हो तो मैं तो अभी तो मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा गाँव आने में। तो अच्छा, हाँ तो वो दूरी बहुत है। और लोग कहाँ है, इनको लिवा के लाओ सबको। तो ठीक है, आ जाएंगे सर। लेकिन करें क्या, आप आने से फायदा नहीं है ना कुछ। क्यों, क्या करें आगे भी, क्योंकि कोई सपोर्ट आपकी तरफ से मिल नहीं रहा है सर, जिसकी वजह से हम रुके। अब यहाँ से हम तो जमीन वमीन भी सेल कर रहे हैं। क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा, पहले तो बताओ। कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। आप आते हैं जब तो भाग जाते हैं, उसके बाद में फिर आ जाते हैं आस पड़ोस के गाँव से बुला लेते हैं। तुम्हारा भी तो कुछ है कि तुम क्या जहाँ भी दबिश दिलवानी हो। क्या? अरे जहाँ भी दबिश दिलवानी हो वहाँ ले चलो मुझे। अब सर अब ऐसे हम उनके पीछे कब तक घूमते रहेंगे सर? ये हम ऐसे घूमते तो फिर हम गांव छोड़ के क्यों आते हैं? रिश्तेदारियाँ तो तुम्हें बतानी पड़ेंगी। अब सर ये तो पता नहीं है, मैं जब भी आया तब भी जो है तुमसे कहा इनकी रिश्तेदारियाँ दो बस। हमारा तो सर ये क्योंकि हम यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, यहाँ पे कंचनपुर में तो रहेंगे नहीं हम। अच्छा, हाँ। और हमारा तो खाली आपसे सीधा पंडा है कि आपसे जो हमारे जो कोई जो 70 की जो लेन देन हुई है आप हमें उसे रिफंड कर दें। हम हमारी जिंदगी हम हमारे हिसाब से हमारे बच्चों को लेके जिस हालात में रहेंगे हम जी लेंगे आराम से। अच्छा जी, चलो वो तो कोई बात नहीं है जी। और चलो एक बार आप जाते हैं, उसको बुलवा रहे थे सर। आने में तो मैं फिर कल का बताऊं, मैं कल आ सकता हूं, आज तो नहीं आना होगा क्योंकि आज तो क्या है ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान रखा हुआ है, इनको बच्चों को भी कहीं रखना है और फैमिली अच्छा। पूरी साथ में इनको कहीं। अरे तो लौटा ला उनको जब कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, तो एक बार आप जाओ वापस। देखिए सर एक बार मैं बात करता हूँ और बाकी मैं परिवार वालों से मेरे से एक बार बात करता हूँ। ठीक ठीक भाई, थोड़ा सुरक्षा ना हो कोई और बात हो तो बताओ। अब सुरक्षा मिली कहाँ पे सर, बता तो रहा हूँ मैं आपको। ये रोजाना ऊपर छत पर चढ़ के औरतें हमारी रहती हैं, बच्चियां हैं हमारी, खड़े होकर चढ़े होके ऊपर हथियार लेके ये करते हैं, मन की तेल लगा लो हथियारों में, सामान में तेल डाल लो, ऐसे करके ऐसे शब्द रहते हैं। कभी बोलते हैं कि हम तो हमारे आपके तो एक एक बच्चे, हम हमारे एक मर जाएगा मार के उसको आपके घर की तरफ फेंक देंगे, मुकदमा आप पे लगा देंगे, ऐसे वर्ड बोलते हैं। अब गाँव में आप जानकारी करो हमारा क्या वजूद है, हम गांव में किस हिसाब से रहते हैं और ये किस हिसाब से रहते हैं। हमारे अगर किसी भी कोई भी आदमी अगर गांव में आस पड़ोस में आप जानकारी करो कि कोई ये बोल दे कि हम झगड़ा लू या किसी की कोई किस प्रकार की हम नहीं, नहीं झगड़ा तो पहले ही नहीं, तो फिर बताएं सर कैसे करें फिर। हम तो हमें तो बच्चों से प्यार है, उन्हें तो अपने बच्चों से प्यार नहीं है। ये जो है राजपाल ने उसने तो अपनी मिसेज खत्म कर दी, भाई भाई भी खत्म कर दिया, ये तो उसको तो कुछ नहीं है, उसको तो समझो गाजर मूली की तरफ समझ रहा है आदमी को।
चलो आया होगी सर, हम हमारी अंदर की आत्मा रोती है हमारी, हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो बुलवा रहा एक बार इन सब साहब आ जाओ। ठीक है सर, देखते हैं फिर कल देखते हैं सर, आज तो नहीं होगा आना, होगा तो सर शाम तक हम देखते हैं बताते हैं आपको कॉल करके। चलो ठीक है। दरअसल थाना गोवर्धन क्षेत्र के कंचनपुर गांव के रहने वाले हाकिम सिंह ने थाना पुलिस को शिकायत करते हुए तहरीर दी थी कि गांव के रहने वाले दबंग लव, कुश, राकेश, रोहित, राजपाल और पंकज ने 16 जून को उसके घर में घुसकर परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसका वीडियो भी पीड़ित ने पुलिस को दिया था, लेकिन एक महीने से ज्यादा समय निकल जाने के बाद भी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए और वह पीड़ित परिवार को डराने धमकाने लगे। अब दबंगों द्वारा आए दिन दी जा रही धमकी से तंग आकर हाकिम ने घर ही नहीं गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया है। रविवार को उसने घर का सामान एकत्रित किया और सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर परिवार सहित पलायन कर गया। हाकिम ने घर और गांव छोड़ने का वीडियो भी बनाया, जो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित परिवार के पलायन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवालों के घेरे में घिरी गोवर्धन पुलिस मामले की लीपा पोती में जुट गई। अड़ी चौकी प्रभारी पुलिस के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से फोन पर गांव आने की बात कही, लेकिन पीड़ित ने कहा कि उसके लिए परिवार सब कुछ है, परिवार सुरक्षित रहे बस यही चाहता है, अब हम वापस नहीं लौटेंगे। दबंगइयों के चलते हुए हम अपने घर को पलायन करके जा रहे हैं गांव को छोड़कर, क्योंकि यहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को 1.5 महीना हो चुका है और उस 1.5 महीने के अंतराल में पुलिस की तरफ से हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हम और यहां पे हमें टाइम टाइम पे दबंगों के द्वारा और मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए हम गांव का पलायन कर रहे हैं। गांव से परिवार सहित पलायन करने के मामले में गोवर्धन पुलिस पर उठ रही उंगली को लेकर पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साध गए हैं। इस मामले में अधिकारियों से बात करने का प्रयास तो किया गया, वह उस दौरान कन्नी काटने लगे। सर, ये कंचनपुर गांव का क्या मामला है? थाना गोवर्धन क्षेत्र में कंचनपुर गांव में एक ही परिवार के दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ था, इसका वीडियो वायरल हुआ था और इस संबंध में एक मुकदमा 300/24 थाना गोवर्धन में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें सेक्शन 147 और 148, 307, 452, 323 ये सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी और चार अन्य शेष हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं और इसमें शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा से सीनियर संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। यानी कि देखा जाए तो बड़े बड़े माफियाओं में शिकंजा कसने वाली योगी सरकार की पुलिस छुटपुट दबंगों को भी कई जगह डील नहीं कर पा रही। सोचिए, जीरो टॉलरेंस वाली यूपी में पुलिस अगर एक गरीब परिवार की मदद नहीं कर पा रही तो सख्त कानून होने का दावा करने का क्या फायदा? यूपी में अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है तो फिर ऐसी घटनाएं आखिर कैसे हो रही है, ये बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं अब देखना भी होगा कि क्या वाकई इस खबर के बाद सीएम योगी या प्रशासन इस परिवार को वापस गांव में ला पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।